10,000 रुपये पूरे दे देगा। और तुम्हें जैसा कि पता यार, तुम्हारा भाई कभी हारता नहीं है भाई, पूरी जान लगा देंगे जीतने के लिए। और भाई पूरी वीडियो देखना, मजा आने वाला है बहुत ही। स्वागत है आपका एक और मेरे न्यू व्लॉग में। आया आप लोग बढ़िया होगे, मैं भी बढ़िया हूँ। एंड अभी मैं जा रहा हूँ कालका मंदिर, 9 बज रहे हैं। और आज ना हम लोग जाएंगे बाइक से, क्योंकि मेरे भैया की जो न्यू बाइक लेके आए हैं बुलेट, एंड इसलिए मैं हेलमेट लेके जा रहा हूँ। और आज मुझे जाना डॉक्टर को दिखाने भी अपना हाथ, तो सारे पेपर्स में डॉक्टर वाले, तो चलते हैं। फिर दिन की शुरुआत करते हैं कालका माँ के दर्शन के साथ। तो आ गए हम लोग मंदिर। एंड भाई ये भाई जो हमारे ताऊ जी के लड़के, उन्होंने बुलेट लिया अभी, आज ही नए लेके आए हैं ये सुबह। तो सुबह सुबह आ गए भाई घर पर, कह रहे चल रहे हैं मंदिर। मैं कहा चलो भाई, एंड चलते हैं अभी दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद बुलेट दिखाएंगे अभी आपको। दर्शन हो गए हैं एंड भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर, मतलब भैया जाएंगे घर पर, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। और भाई दिखाता हूँ अभी आपको बुलेट, और आज पूरा खाली मंदिर था, तो चलते पहले आपको बुलेट दिखाते हैं, फिर मिलते हैं। भाई ये खड़ी अपनी न्यू बुलेट। एंड भाई भाई इसकी पूजा हमने रात में हो गई थी, रात को लेके आए भाई 10 बजे डिलीवरी, देख रहे हो भाई इतनी जल्दी थी, क्योंकि आज नहीं निकलना है हरिद्वार। और ये अपनी न्यू बाइक, सो देख सकते हो आप, अमेजिंग है भाई। 350 cc बुलेट स्टैंडर्ड, वो भी क्लासिक, यार मज़ा नहीं आता सिर्फ स्टैंडर्डली, बाकी बात नई गाड़ी है पूरी मस्त, एकदम मज़ा आने वाला है चलाकर। मैं भी चलाऊंगा शाम को, अभी नहीं, अभी तो मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। सो चलो भाई, ये भाई जाएंगे घर पर और मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, तो मैं निकल जाऊंगा ऑटो से और भाई तो निकल जाएंगे अपनी बाइक लेकर, बुलेट नहीं है भाई तो हमें छोड़ जाएंगे ऐसी, भाई हमारे साथ नहीं जा रहे, कोई नहीं चलो चलते हैं। मैं ऑटो से जाऊँगा, ये भाई निकल जाएंगे घर, तो मिलते हैं आपको डॉक्टर के पास। तो बैठ गए ऑटो में एंड निकल रहे थे हम लोग डॉक्टर के पास। अभी वेटिंग चल रही है, तो अपना नंबर है 8 एंड वहाँ चल रहा है भाई 3 अभी। चलो वेट करते हैं कब तक नंबर आता है। A few moments later. तो गाइस डॉक्टर को दिखा दिया है एंड उन्होंने भाई बोला कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा ठीक, जो हाथ में दिक्कत थी, अरे दवाई की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा ठीक, बस अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब बोल रहे थे 2-3 महीने से ज़्यादा लगेंगे, कोई नहीं चलो। उन्होंने कहा अगर कन्फर्म कैसे करना जरूरी है ना भाई, क्योंकि डर लग रहा है नहीं हाथ परमानेंट ऐसा ना हो, थोड़ा नीचे है ना वो तो। बट चलो चलते हैं अब घर पर, खाना कुछ भी नहीं खाया अभी, और मैं सोच रहा हूँ बाहर का खाऊंगा नहीं, घर पे ही खाऊंगा, तो चलते हैं घर पर, ऑटो वाले करते हैं भाई, फिर मिलता हूँ आपको। चलो ऑटो मिल गया, चलते हैं अभी घर पर। मैं आ गया हूँ घर पर भाई, अभी ना बज रहे हैं 11:30, उस टाइम पे मैं 10:30 बजे निकल गया था वहाँ डॉक्टर के पास से, तो जल्दी आ गया। और अभी भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, मतलब क्या तो मुँह धुला मैंने, अभी पूरा पसीने पसीने हो गया था भाई। मेरी वॉइस ना आपको धीरे आ रही होगी, जहाँ जब मैं डॉक्टर के पास बैठा था ना उस टाइम पर, क्योंकि ना मैं शाम पे थोड़ा धीरे ही बोल रहा था, क्योंकि थोड़ा डॉक्टर बैठे थे और लोग भी बैठे थे, अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा सा बोलूँ तेज है ना तो। बट कोई नहीं, चलो डॉक्टर ने बोला कि यार अभी ठीक हो जाएगा 2-3 महीने में अपने आप, कोई टेंशन की बात नहीं है, वो तो यार वक्त बताएगा, टाइम बताएगा ठीक कैसे होगा क्या होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलो एंड अभी चलना है मुझे, थोड़ा राहुल कुछ काम से बुला रहा है, तो राहुल के यहाँ जाना है मुझे, सो अभी जाता हूँ, फिर उसके बाद दुकान पर जाएंगे अपना, फिर देखते हैं क्या है सीन, ठीक है, तो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। 2 hours later. गया हूँ भाई राहुल के घर से अभी, उसके बाद फिर दुकान पे चला गया था, तो राहुल की ना स्कूटी ख़राब हो गई है, तो वो कह रहा था भाई धक्का लगाने के लिए, मतलब दुकान तक पहुँचाने के लिए गैराज तक, सो मैंने बोला भाई अभी 2 बजे के बाद चलेंगे दुकान पे थोड़ा काम करा के, उसके बाद तो राहुल कह रहा ठीक है भाई फ़ोन कर दूंगा, तो अभी तक उसका फ़ोन आया नहीं है, तो 3 बज गए हैं, जैसे वो फ़ोन करेगा तो उसके बाद जाऊँगा मैं, वरना नहीं करेगा तो कोई बात नहीं। अभी मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रहा हूँ और यूट्यूब देख रहा हूँ, सो काम करके ख़त्म करके फिर मिलता हूँ आपको मैं। तो गाइस वीडियो बन गई है GTA 5 की, एंड अभी मैंने बना दिया एक फोर्जा होराइजन की भी, और इस संध्या खड़ी है। सो भाई PC का काम तो ख़त्म हो गया, अब शाम के बज गए हैं 6, और राहुल को मैंने बोल दिया भाई इसकी कि सागर चला जाएगा 9 मिनट है, देख रहा ये है भाई, भाई ठीक है ओके, टाइम की तो पक्की हमें पता है। सो गाइस चलो, राहुल को मैंने बोल दिया कि सागर छोड़ देगा तेरे को, बाइक से धक्का लगा देगा तेरी स्कूटी को, पहुँचा देगा गैराज, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, इसलिए नहीं आज जा पाऊँगा, थोड़ा सा काम करना है। चलो वो भी कर लेंगे, इसके बाद फिर देखते हैं अभी, फिर स्ट्रीम करना है नहीं करना आज वो भी, यार गर्मी में ना मन नहीं करता बिल्कुल भी, क्या करें या करें नहीं करें स्ट्रीम, बट कोई नहीं, चलो भाई जो भी होगा देखा जाएगा, स्ट्रीम होगी तो आपको पता लग जाएगा, नहीं होगी तो पता लग जाएगा। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, चाय बन रही है, चाय पियेंगे, क्योंकि मैंने सुबह नहीं पी थी चाय, अब चाय बंद सुबह से, मॉर्निंग में चाय बंद,
ओनली दूध एक गिलास, बस मस्त चंगे एकदम ड्राई फ्रूट वगैरह खाए करेंगे तब आगे। चल झूठा। चलो गाइस जय श्री राम, अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। फिर मैं आ गया हूं अपने रूम में फिर से अगेन। एंड गाइस यहां पे देख सकते हो आप, ये कुछ इंस्टाग्राम खोल रखा है मैंने, ठीक है। एंड भाई ये लक्की भाई हमारा आप जानते होगे क्योंकि मेरा कजन ब्रदर है। एंड भाई इसने ना मुझे एक चैलेंज दिया है, तो वो क्या चैलेंज है लक्की खुद बताएगा आपको। चल भाई लक्की बता क्या चैलेंज दे रहा तू मेरे को। मैं आपको कुछ मीम दूंगा, अगर आपने उस पे हंस दिया तो आप हार गए, अगर आप नहीं हंसे तो मैं आपको एक पूरी गड्डी दूंगा। तेरे कहने का मतलब है कि ट्राई टू नॉट लाफिंग ना, ठीक है। तो गाइस ये बोल रहा है कि अगर आप मतलब हंस गए तो आप हार गए, ठीक है, अगर नहीं हंसे ना तो भाई 10,000 रुपए पूरे दे देगा। और कोई तरीका है भीख मांगने का? तुम्हें जैसा कि पता यार तुम्हारा भाई कभी हारता नहीं है, भाई पूरी जान लगा देंगे जीतने के लिए। और भाई पूरी वीडियो देखना आप, मजा आने वाला है बहुत ही। सो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं इस चैलेंज को। मीम वगैरह सारी इसने ओपन करके दे दिया भाई मुझे। सो जल्दी करते हैं चैलेंज को स्टार्ट और देखो भाई वीडियो को। 15 minutes later फाइनली वीडियो शूट कर दिया हमने ट्राई टू नॉट लाफिंग वाली। एंड भाई अभी ना देखो एडिटिंग चल रही है, ये देख सकते हो आप, दिख रहा हो ना, इसके भी एडिटिंग के लिए बहुत जल्द चैनल पे आपको दिखेगी, ठीक है। और भाई ऐसे कंटेंट थोड़े मिलेंगे आपको, कमेंट में बताना कि हम करें ना करें, ऐसे कंटेंट डालें ना डालें शॉर्ट्स में, और लॉन्ग में भी ट्राई करेंगे अभी चैलेंज वगैरह करने की, ठीक है। सो चलो बहुत जल्द मिलेगी आपको ये वीडियो चैनल पर। सो अभी बजने वाले हैं 9, और भाई क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा है तो चलते हैं खाना खाने, क्योंकि पीसी ऑफ कर देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा काम रह गया बस ऑफ करके, फिर चलते हैं खाना खाने, फिर मिलते हैं आपको खाने पर। सो गाइस खाना खाने का टाइम हो गया है। एंड अभी आ गया मैं खाना खाने सागर भाई के साथ अपने, सागर भाई भी सो रहे थे फिर मैंने उठा लिया। चलो भाई खाने में आज बहुत कुछ है, दिखाता हूँ अभी आपको। भाई ये आप आज है आलू के, ये बनाया आलू का, मतलब वो होता है कि मम्मी का व्रत है एकादशी का, तो वो बनाया आलू का ये, और सैलड और रोटी एंड ये अपनी आलू की सब्जी, आलू का भरता मतलब याद आ गया, और दही। तो खाते हैं फिर मिलता हूँ आपसे। खाना खा लिया है एंड अभी भाई रात के बज रहे हैं 12, और भाई तुम्हारा भाई आ चुका है, देख रहे हो पीसी पे जीते भाई की वीडियो शूट करने, और मैंने शूट कर भी लिया है। और भाई ये ना देख रहे हो कार सारी खराब हुई गई, मैंने क्रैश टेस्ट चल रहा था अभी यहाँ पे, ठीक है, जंपिंग टेस्ट क्रैश टेस्ट चल रहा था कार का, ठीक है, वो मैंने वीडियो शूट करी है क्योंकि बहुत ही कमाल की होने वाली है। जाओ यार गेमिंग चैनल पे देखना, वो कल आ जाएगी, ठीक है। एंड भाई मतलब बताऊँ आपको क्या मज़ा आ गया वीडियो शूट करके, और देख रहे हो भाई पूरा चेहरा पसीने पसीने हो गया, कूलर चल रहा है तब भी, सॉरी कूलर बंद करना था भूल ही गया, आपको आवाज़ थोड़ी वैसी आ रही होगी ना, बट कोई नहीं, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, एंड सॉरी फॉर मतलब थोड़ा अगर आवाज़ बेकार लग रही हो, बट कोई नहीं, चलो अब अच्छी आ रही होगी। सो आज के ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को कर दो लाइक, एंड चैनल पर जो भी नए चैनल कर दो सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट न्यू ब्लॉग में, जब तक गुड बाय, गुड नाइट, जय श्री राम सभी को।